आगे बढ़ा कर गाड़ी, ये देखो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो बहस करेगा आगे भाई, ये भैया हरन तो मार देते, आप भी मार देते यार भैया। मैंने हरन मैंने भी नहीं मारा, गलती दोनों की थी। चलो ठीक है, आप भी पीछे लगी क्या गाड़ी में? देखो फिर नहीं, हल्का सा लग गया। चलो ठीक है भैया, सॉरी है ना। ऐसे होता है भाई एक्सीडेंट। कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब छोटी गलियाँ होती हैं तो हमें टर्न करते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है न्यू विगनर्स को, तो हम कितना आगे करके टर्न को हम करें, स्टीयरिंग को टर्न करें, और कितना टर्न करना है कि गाड़ी अपनी परफेक्ट तरीके से निकल जाए। अगर चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से हमें मिलता है मोटिवेशन, जिससे न्यू वीडियो बनाने में आसानी होती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है न्यू बिगनर्स में ये सारी चीज़ें, कि जब आप छोटी गलियों में चल रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम कितना टर्न करें, कैसे टर्न करें। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो पर। सबसे पहले मैंने लगा लिया है सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट लगाने के बाद में हम करेंगे कार को स्टार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा रोड चौड़ा है, आगे चल के बहुत पतला रोड है। हम पहले स्टार्ट कर ली गाड़ी को, लगाया फर्स्ट गियर स्टार्ट, हमने क्लच ब्रेक दबा के स्टार्ट किया था, हैंड ब्रेक नीचे किया, हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे आगे। ये स्टार्ट करके और अब आगे हम बढ़ाएंगे, कार स्टार्ट कर लिए। अब धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ते छोड़ते हम आगे बढ़ाएंगे और आपको जजमेंट लगाने के बारे में बताएंगे, हम जजमेंट कैसे लगाएंगे अगल बगल का, हम कितने आगे से गाड़ी हमें आगे निकालना है, यार से सारी चीज़ आपकी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बहुत अच्छा मोमेंट और बहुत अच्छा मोटिवेशन आने वाला आज की वीडियो पे। सबसे अच्छा छोटी छोटी गलियों में क्या होता है, जो नए बिगनर्स होते हैं ना उनको छोटी छोटी गलियों में बहुत दिक्कत होती है, जिससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गाड़ी चलाने में। हम यहाँ थोड़ा सा गड्ढा था, थोड़ा स्लो किया हमने और धीरे धीरे निकालेंगे हम ड्राइविंग करते हुए ये। और पहले हम करेंगे राइट इंडिकेटर, और छोटी गलियाँ रहेंगी तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आगे से मुझे राइट टर्न करना है तो हमें ध्यान देना पड़ा, ये किनारा होता है जो जैसे राइट टर्न करते हैं तो हमने अपने बराबर गाड़ी, हम जहाँ बैठे हैं अपने बराबर गाड़ी आगे निकलना चाहिए। जैसे देखो मैंने ये किया, देखो ये किया मैंने, गाड़ी इतनी निकाल ली बाहर, इतनी निकाल ली बाहर। अब मैं घुमाऊंगा तो मेरी गाड़ी परफेक्ट तरीके से अपनी टर्न पे आएगी, ये देखो घूम रही है। अगर मैं जल्दी घुमा देता तो मेरी गाड़ी वहाँ पर उस जगह पर टकरा जाती। अभी देखो मेरी गाड़ी पूरी परफेक्ट तरीके से घूम रही है। अब सेम लेफ्ट के लिए इंडिकेटर दिया पहले, सबसे पहले लेफ्ट के लिए भी यहाँ तक गाड़ी आपको निकालना जरूरी है, उसके बाद घुमा सकते हैं ताकि पीछे वाले पोर्शन पे और मिरर्स देखते हुए पीछे वाला पोर्शन भी अपना परफेक्ट तरीके से। ये देखो मैंने इतनी गाड़ी निकाली, देखो इतनी गाड़ी आगे निकल गई, आप देख रहे होंगे इतनी गाड़ी मेरी आगे निकल गई। इसके बाद में आगे मैं घुमा सकता हूँ, देखो ये घूम रही गाड़ी, और यहाँ पर भी देख सकते हो परफेक्ट तरीके से धीरे धीरे मूव हो रही है। फिर वापस मैंने जैसे गाड़ी को स्ट्रेट किया, फिर मैंने स्ट्रेट करके स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना ज़रूरी है। अब फिर से राइट जाना है, देखिएगा फिर राइट में आपको बताऊंगा, रोक कर पूरा बताऊंगा कि कितना टर्न करना है हमें। ये देखो फिर मैंने आगे बराबर अपनी बराबर गाड़ी निकाली, देख सकते हैं आप, फिर धीरे धीरे मैं मूवमेंट कर रहा हूं मैं, ये धीरे 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 ये वापस स्ट्रेट किया मैंने। इस तरीके से हम काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं और सीख सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती तो प्रैक्टिस करते 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 ऑटोमेटिक अचानक से आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी है थोड़ा सा रोड ब्लॉक, तो मैं क्या करूँगा आगे से मुझे राइट ले लेना है, यहाँ का पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है, ये गड्ढा खुद से पहले यहाँ से निकलना था लेफ्ट तरफ के लिए, अब राइट तरफ लेंगे हम। ये लेफ्ट राइट ले लिया, थोड़ा गड्ढे वड्ढे में थोड़ा सा लेफ्ट तरफ जजमेंट लगाते हुआ आना है हमें। ये थोड़ा सा ब्रिज छोटा सा बन रहा है, ये हमने बिल्कुल अपने बराबर गाड़ी आगे निकाली, उसके बाद हमने टर्न कर लिया है। अगर आप नए बिगनर से तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सोचिएगा और करिएगा कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम लेफ्ट राइट का दोनों तरफ का जजमेंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो मुझे लेफ्ट टर्न करना, जैसे पहले सबसे पहले मैं इंडिकेटर दिया, देखते जाऊंगा अपने ये पूरा पोर्शन कितना घूम रहा है। देखो अपने बराबर गाड़ी आगे निकाली मैंने, ये घुमाया पूरा गाड़ी एक बार में मेरा घूम गया, ये घूम गया। इसके बाद फिर से लेफ्ट करना है मुझे, तो फिर वही चीज़ करना है। देखो अपने बराबर बराबर गाड़ी निकलेगी, मेरा हाथ देखिएगा, मेरा हाथ देखिएगा, ये देखो निकली गाड़ी, फिर उसके बाद मूव कर रहा हूँ, देखो घुमा रहा हूँ ऐसे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नए बिगनर्स के लिए, खास करके भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कितना आगे गाड़ी बढ़ाएं कि हमारा पीछे वाला पोर्शन भी टकराना नहीं चाहिए और आगे वाला पोर्शन भी टकराना नहीं चाहिए।
ये सारी चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। क्या होता है, गाड़ी होता है थोड़ा लंबा, ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी होती है जिससे पीछे वाला पोर्शन को निकालने में थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे देख सकते हो अगल बगल पूरा जजमेंट। इस तरीके से हम छोटी छोटी गलियों में चलाना सीख सकते हैं। सो गाइस, फिर से हमने गाड़ी को आगे बढ़ाया और ये अब तक एक कार खड़ी हुई है। मैं राइट का जजमेंट कैसे लगाऊंगा, यहाँ से लगाऊंगा पूरा और लेफ्ट तरफ का, लेफ्ट तरफ का मूर्ति को मैच करूंगा किनारे से और यहाँ पर पूरा दिखता है। इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अपन को समझ में आता है कि हाँ। और लेफ्ट तरफ का थोड़ा सा लेफ्ट से जजमेंट लगाएंगे हम। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे मूव करूँगा मैं ये। अब मुझे आगे से ना राइट जाना है, तो मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा, पहले से ही वो गाड़ी खड़ी हुई है तो पहले फ़ोन बजाऊंगा। गाड़ी हटती तो ठीक है, वरना अपन थोड़ा सा जगह है वहाँ से आप निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो गाड़ी हट गई तो बहुत अच्छा, चलो गाड़ी हट गई, गाड़ी नहीं हटती तो अपन थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कंसिडर करते कि अपन गाड़ी निकाल सकते हैं। फिर मैंने गाड़ी को मूव किया देखो राइट तरफ से ये, और धीरे धीरे सीधा किया, लेफ्ट टर्न करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करते टाइम बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ बहुत पतली गली है, डबल गाड़ी आएगी फंस जाएंगे। ये देखो अपने बराबर गाड़ी भी निकाली और मैंने आगे करी। इस तरीके से हम काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं और ड्राइविंग सीख सकते हैं। जब छोटी छोटी गलियों में होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कितना आगे बढ़ने पर हम कार को आगे बढ़ाएं और कितना अपन आगे बढ़ाकर गाड़ी। ये देखो भाई बहुत बढ़िया, अब देखो बहस करेगा आके भैया। आप भी मार देते यार भैया। मैंने भी नहीं मारा के, गलती दोनों की थी। चलो ठीक है, आप भी पीछे लगी क्या गाड़ी में? देखो फिर नहीं, हल्का सा लग गया। चलो ठीक है, ऐसे होता है भाई, एक्सीडेंट देख लिया आपने। वीडियो बना रहा था मैं, ना बंदे ने ऑन मारा, मैंने साइड से निकाला, अपने मेरा साइड पूरा लेफ्ट तरफ था, लेकिन बंदे ने आकर टक्कर मार दी गाड़ी पे, तो मेरी गाड़ी पे हो गया स्क्रैच राइट तरफ से, और देखते हैं उतर के कितना स्क्रैच होगा। सो गाइस, ऐसे होता है, देखो जजमेंट बहुत ज़रूरी है। वो सामने वाले ने नहीं देखा, घुस गया आकर। मैं अपना जजमेंट पूरी तरह से लेफ्ट तरफ पूरी गाड़ी रखी थी अपने, वो सोचा बीच से निकल गया। ये देखो फिर से लेफ्ट पर ने अपनी गाड़ी रखी, अब वहाँ से कोई आ जाएगा तो मेरी गलती नहीं है। मैंने रोक ली थी गाड़ी पूरी तरह से, सामने वाले ने आकर ठोक दी। इस तरीके से भाई बहुत दिक्कत होती है भाई, ऐसे टक्कर हो जाती है गाड़ी में। सोच लो बहुत, मतलब सोच लीजिए कि मतलब कि गाड़ी कितना भी अच्छा चला लो आप, कितना भी बेस्ट चला लो, किसको आना होता वो आता ही है। तो यही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें बहुत। अब देखो आंटी भी भाई इधर आई और इधर आई, फिर वापस चली गई। ऐसे होते हैं एक्सीडेंट ऐसे। अब आंटी का भी गलती क्या था कि इधर आया सामने और तुरंत राइट टर्न कर लिया। भाई गाड़ी रोड पर चला रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर ड्राइविंग करनी है। बहुत समझ लीजिए कि पूरा देश अंधा है, सोच लीजिए। और हमें सारी चीज़ों को नॉलेज लेके धीरे धीरे, नए बिजनेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई कुछ सामने आता है तो घबरा जाता है, घबराने के बाद क्या होता है कि दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेके। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपका क्या राय है मेरे बारे में, और मैं जो ड्राइविंग सिखाता हूँ आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मुझसे। और जो भी आपको डाउट्स है ड्राइविंग से रिलेटेड, मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ भाई इस चीज़ से ड्राइविंग मुझे नॉलेज चाहिए, फिर से वीडियो बना के मैं आपको पोस्ट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेके। जय हिंद, जय भारत।